सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्ट्रेंजर ब्रेड के एपिसोड नंबर 23 में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं जो वीकली मूवीज एंड सीरीज की अपडेट निकल कर आती है उनकी। एंड भाई इस वीक भी काफी सारी मस्त अपडेट निकल कर आई है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई बात करें अपडेट नंबर 1 की तो निकल कर आ रही स्पाइडरमैन नो वे होम की। तब सब देखो भाई जब इसका ट्रेलर 2 रिलीज हो गया तो भाई मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि इसके ऊपर ज्यादा कुछ मेजर अपडेट निकल कर आएंगे, लेकिन भाई इसकी अपडेट जो है भाई रुकने का नाम नहीं ले रही। एंड अभी रिसेंट टाइम इसके भाई कुछ टीवी स्पॉट्स को लीक करा गया था जहाँ पे हम लोग को कुछ न्यू इमेजेस भाई देखने को मिली थी। एंड वहीं से भाई रूमर्स ऐसे निकल कर आ रहे थे कि आप लोग को इसका जो तीसरा ट्रेलर है वो भी देखने को मिल सकता है। एंड भाई डेनियल आरपीके जिनकी भाई मेजर अपडेट स्पाइडरमैन को लेकर सही होती है, उन्होंने भाई हिंट किया था कि आप लोग को इसका तीसरा ट्रेलर है वो देखने को मिल सकता है। तो भाई ये अपडेट कितनी ज्यादा करेक्ट होती है हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा, बट आप लोग बताना आप लोग को स्पाइडरमैन का तीसरा ट्रेलर चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज मेरे हिसाब से 2 ट्रेलर सफिशियंट है इस मूवी के लिए। एंड आई थिंक आप लोग को मूवी रिलीज होने से पहले छोटी मोटी क्लिप जरूर देखने को मिल सकती है जिससे भाई एंगेजमेंट जो है ऑडियंस के बीच में वो बनी रहे। आप लोग बताना आप लोग के हिसाब से तीसरा ट्रेलर आना चाहिए या फिर नहीं, अपने थॉट को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो भाई बात करें अपडेट नंबर 2 की तो निकल कर आ रही भाई डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। तब से इस मूवी का भाई कुछ मेजर रिशूट स्टार्ट हुआ था, मैंने आप लोग को पिछली अपडेट वाली वीडियो में बताया भी था। एंड अभी भाई करंटली कुछ रूमर्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि आप लोग को इस मूवी में ह्यूज जैकमैन का वोल्वरिन का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीवर्स। तो भाई ये जो रूमर्स है कितने ज्यादा करेक्ट होते हैं तो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा, लेकिन भाई वोल्वरिन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का काफी हाइप बन रखा है। काफी सारे ऑडियंस जो भाई इसके बारे में बात करें एंड काफी सारे लोग भाई इस मूवी के जो रिशूट है उसको कनेक्ट करें वोल्वरिन के साथ। तो भाई आने वाले टाइम हम लोग को पता चल ही जाएगा। आप लोग बताना आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वोल्वरिन को देखना चाहते हो या फिर नहीं, अपने थॉट को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो बात करें अपडेट नंबर 3 के तो निकल कर आ रहे भाई द व्हील ऑफ टाइम सीरीज की तरफ से। भाई जो सीरीज है अमेजॉन के ऊपर रिलीज हो गई एंड उसके जो 3 एपिसोड थे उनको प्रीमियर कर दिया गया था। अब देखो इस सीरीज का जो रिस्पॉन्स है काफी मिक्स निकल कर आया, ऑल्दो भाई अमेजॉन ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करा इस सीरीज के ऊपर बिकॉज भाई सेकंड हाईएस्ट बजट वाली सीरीज है उसकी। तो भाई आप लोग बताना आप लोग की जो सीरीज थी वो कैसी लगी। एंड करंटली भाई अपडेट के अकॉर्डिंग क्रिटिक्स एंड भाई ऑडियंस की तरफ से इसको मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो भाई मेरे हिसाब से अब इसके सिर्फ 3 एपिसोड को रिलीज करा गया, तो मे बी जब इसके सारे एपिसोड रिलीज हो जाएंगे तो इसकी जो रेटिंग है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अभी भाई करंटली आप लोग बताना आप लोग को ये जो सीरीज थी वो कैसी लगी। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोग को इसका जो एपिसोड 4 है वो कब देखने को मिलेगा, तो भाई आप लोग को इसका जो एपिसोड 4 है वो 26 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से इसके जो एपिसोड है आप लोग को वीकली देखने को मिलेंगे। टोटल सीरीज में आप लोग को 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की तो भाई वो है हैरी पॉटर से रिलेटेड। अभी भाई रिसेंटली एचबीओ मैक्स ने एक टीजर रिलीज किया था जहां पे भाई वो लोग सेलिब्रेट करेंगे इस मूवी के 20 साल के एनिवर्सरी को, जहां पे भाई आप लोग को आने वाले टाइम में इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। एंड ये जो इवेंट है भाई 1 जनवरी को होने वाला है, तो मे बी आप लोग को नेक्स्ट ईयर काफी सारे जो अनाउंसमेंट है वो इस वीडियो में सुनने को मिल सकती है। अब देखो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो भाई हैरी पॉटर से रिलेटेड अभी रिवील नहीं करे गए, जिनकी अपडेट मेरे को भाई मिल रही है। जैसे उनके ऊपर कंफर्मेशन मेरे को मिल जाएगी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा। लेकिन भाई करंटली अपडेट ऐसी है कि 1 जनवरी को जब भाई इसके सारे कास्ट मेंबर का रियूनियन होगा वहां पे आप लोग को इसके आने वाले प्रोजेक्ट्स को रिवील किया जा सकता है, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो फ्यूचर में मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग बताना भाई आप लोग अपकमिंग प्रोजेक्ट में किसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 5 की तो निकल कर आ रही सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 की तरफ से। इसका जो शूटिंग का वर्क है भाई नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होने वाला है, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही। एंड भाई वो चलेगा नवंबर तक, दैट मीन्स के साथ से आप लोग को नेक्स्ट ईयर इसका जो सीजन 4 है वो देखने को ना मिले, वो आप लोग को 2023 तक देखने को मिलेगा, ऐसे भी करंटली अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो फ्यूचर में इसके ऊपर लाइक जो भी चेंजेस होंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन करंटली भाई अपडेट रिकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ से इसका जो सीजन 4 का शूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो भाई बात करें अपडेट नंबर 6 की तो निकल कर आ रही मनी हाइस्ट सीरीज की तरफ से। भाई सीरीज के जो वॉल्यूम 2 है आप लोग को 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जिसमें भाई ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। एंड अभी रिसेंट टाइम में इसके भाई कुछ टीजर्स को रिलीज करा गया था जहां पे हम लोग इसकी जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी देखने को मिले थे। एंड अभी रिसेंट टाइम में भाई इसके नए पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया जहां पे भाई उन्हीं कैरेक्टर को मेंशन करा गया जो कि भाई अभी बचे हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई उनको भाई उस पोस्टर में मेंशन नहीं करा गया। एंड इस सीरीज के जो कैरेक्टर्स हैं भाई उन्होंने खुद ये चीज रिवील करी कि भाई सीजन 5 का जो एंड होने वाला है कब द इमोशनल होने वाला है, दैट मींस कि भाई आप लोगों को सीजन 5 देखने के बाद काफी तगड़ा शॉक भी लग सकता है बिकॉज जो एंडिंग है वो भाई काफी सारे लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा भाई इनके कास्ट मेंबर का बोलना है। दैट मींस कि भाई आप लोगों को कुछ तो देखने को मिलने वाला है, मतलब कि किसी कैरेक्टर की डेथ देखने को मिल सकती है, फिर भाई कुछ और भी देखने को मिल सकता है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। तो वो चीज क्या होगी उसके लिए हम लोग को भाई इस इसके लास्ट पोर्शन को देखना पड़ेगा। तो आप लोग बताना कितने लोग भाई इस इसके वॉल्यूम 2 के लिए एक्साइटेड हो। बाकी भाई 3 दिसंबर आने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है एंड आई थिंक जितने भाई टीजर्स रिलीज होने थे वो सारे रिलीज हो गए। सो भाई ये कुछ अपडेट थी जो कि इस वीक निकल कर आई थी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप लोग कुछ भी पूछना है फिर बताना है देन आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।